दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक कहानी के द्वारा मनुष्य की कीमत के बारे में बताएंगे। एक लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक छोटे बच्चे ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती होगी? पिताजी अपने इस छोटे बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। बाद में अपने छोटे से बच्चे को बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बच्चा बोला, क्या सभी उतना ही कीमती है और महत्वपूर्ण है पिताजी? पिताजी ने कहा, हाँ बेटे। बच्चा कुछ समझा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है? किसी की कम कीमत है और किसी की ज़्यादा क्यों है पिताजी? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे। फिर बाद में बच्चे को स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का सलिया लेने के लिए भेजा। बच्चा जब सलिया लेके आया तो पिताजी ने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? बालक ने कहा, 200 रुपये। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस सलिये को छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बच्चा कुछ देर तक सोचने लगा और बाद में बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, करीब 1000 रुपये के आसपास। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस सरिये के लोहे की घड़ी की बहुत सारी स्प्रिंगे बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी? बच्चा कुछ देर तक अपनी गणना करता रहा, फिर एकदम उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी पिताजी। फिर बाद में पिताजी उस बच्चे को समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इससे नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि उससे है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बच्चा अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, हम अक्सर अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपने हाल की स्थिति को देखकर अपने आप की कीमत समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका ये मतलब है कि हम बहुत कीमती और बहुमूल्य है। हमें हमेशा अपने आप को नई दिशा में परिवर्तित करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।